Hello, my dear students. Welcome to Taransar Classes and Class 11th के Short Questions. In fact, मैं ये कहूँगा कि New Short और Important Questions की सीरीज में आपका स्वागत है. So, first of all, I have brought the questions from the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. और आपको मैं खुशवंत सिंह का नाम इसलिए याद दिलवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको एक extract आएगा या हम बोलें कि एक पैसेज आएगा प्रोज में से भी जिसमें से आपको क्वेश्चंस जो हैं फाइंड आउट करने हो सकते हैं. तो आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए और हॉर्नबुल बुक का फर्स्ट चैप्टर है. सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. गिव अ पेन पिक्चर ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर एज ही अपियर्ड इन द पोर्ट्रेट. जैसा कि वो पोर्ट्रेट में अपियर होते हैं तो हमें उनका पेन पिक्चर यानी उनको जो है शो करना है कि वो कैसे दिखते हैं. तो नाउ यू कैन सी कि जो नरेटर के ग्रैंडफादर है उनको ऐसा शो किया गया है जैसे 100 ईयर्स ओल्ड मैन होंगे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बताया जाए. लॉन्ग वाइट बियर्ड जो कि उनकी चेस्ट तक आ रही है और ऐसा लगता है उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा बूढ़े लगते हैं. सो क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डिड द ऑथर रिफ्यूज़ टू बिलीव. ऑथर यहाँ कौन है? खुशवंत सिंह. उन्होंने किस चीज़ को, किस बात को बिलीव करना बिल्कुल जो है मना कर दिया ऐसा? तो इसमें आपको आंसर बताना है. सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैसे जो है ऑथर को इस बात का बिलीव नहीं था, क्योंकि वो जब से कहता है मैंने होश संभाला है तो मुझे क्या दिखता है, मेरी ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी है और वो कभी यंग या ब्यूटीफुल रह नहीं सकती, वो या होंगी ही नहीं लाइफ में. और ऐसा सोचना भी कहता है मेरे लिए ना एक रिवॉल्टिंग आइडिया होगा या डिस्टेस्टफुल आइडिया होगा. और वो उसको इस बात का भी बिलीव नहीं था कि जब ग्रैंड मदर कहती थी कि वो छोटे होते जो है बच्चों की तरह गेम खेला करती थी, तो ये सब बातें जो हैं ऑथर को बिलीव नहीं होता था कि एक्चुअल में ऐसा होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री. द ग्रैंड मदर हैड ए डिवाइन ब्यूटी, हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट. एक डिवाइन ब्यूटी नज़र आती है ग्रैंड मदर में, ऑथर हमें कैसे बताते हैं? द ऑथर सीज दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. स्पॉटलेस वाइट का मतलब है बिल्कुल प्लेन वाइट कलर की साड़ी में घुमा करती थी घर में. एंड बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अर रोजरी, और अपनी जो माला के जो मन के हैं उनको जैसे भगवान का नाम जपते जपते राम 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 लाइक ऐसे वो गाया करती थी मन ही मन में. एंड शी हैड सिल्वर लॉक्स, उनके जो वाइट कलर के जो सिल्वर कलर के बालों के लॉक्स के लिए ये वर्ड यूज़ हुए. एंड हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और वो एक ऐसी प्रेयर गाती थी जो शायद किसी को सुनाई नहीं देती थी, बट इट वॉज डैम श्योर कि वो प्रेयर कॉन्टिन्यूसली जो है भगवान के लिए गाती रहती थी. द ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड हार्टेड वुमन. ए गिव एग्जाम्पल, आपको बताना है कि कैसे वो बहुत एक काइंड हार्टेड थी वुमन. कैसे आप जज करोगे? देखो जब वो गांव में थी तो वो विलेज के डॉग्स को चपाती डाला करती थी, लेकिन जब वो शहर में शिफ्ट हुई डॉग्स नहीं थे तो शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस. What was the happiest moment of the day for the grandmother? अब ये जो क्वेश्चन है ये उस कंटेक्स्ट में बताना है जब वो शहर में शिफ्ट हो चुके थे. तो grandmother के लिए जब शहर में शिफ्ट हुए सिर्फ वो एक हाफ एन आवर था दिन का जो उनके लिए बहुत अच्छा था, वो था while she was feeding the sparrows. वो उनके छोटे छोटे ब्रेड के पीसीज जो है little bits कह सकते हैं, और hundreds of birds हैं वो ऑलमोस्ट आ जाते थे, कुछ उसके लेग्स पे बैठते कुछ उसके शोल्डर्स पे, और लेकिन उनको कभी उड़ाती नहीं थी वो, ना उन्हें भगाती थी वो. Now move to question number 6. What was the last sign of physical contact between the author and the grandmother? Author और grandmother के बीच में last physical contact कब हुआ था? जब grandmother author को छोड़ने जाती है railway station पे और वो उसको silently kiss करती है उसके forehead पे, और author जो है बहुत खुश होता है और उसको एक last sign of physical contact नज़र आता है अपना और grandmother के बीच में जो है. तो उसे ये भी था जब वो वापस आएगा पता नहीं मे बी शी वुड बी अलाइव और नॉट. क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज माउंट द ग्रैंड मदर्स डेथ. अब देखो हर किसी को जो है दुख था, इवन स्पैरोज को भी दुख था. तो अब देखिए क्या हुआ, द ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग. बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को स्ट्रेस में डाल लिया. शी डाइड बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज एंड फीवर. एवरी वन फेल्ट ग्रीव्ड एट हर डेथ. Even the sparrows mourned her death and they did not eat the piece of bread. और उन्होंने एक भी ब्रेड का पीस नहीं खाया.
Next question is, how did the grandmother help the author to get ready for school when they were staying in the village? जब वो विलेज में रहते थे तो ग्रैंडमदर कैसे हेल्प करती थी? एक तो उसे सुबह सुबह उठाना, उसे नहलाना, ड्रेसअप करना और उसके जो वुडन स्लेट है वो तैयार करना, एक टाइनी अर्थन इंक पॉट, जैसे पहले के टाइम में जो है इंक पॉट होते थे, और एक रेड पेन, एंड टाइड देम ऑल इन ए बंडल एंड गेव इट टू हिम. And she then gave him breakfast that consisted of a stale chapatis with a little butter. उसमें जो है बटर होती थी और शुगर भी होती थी उनके ऊपर. तो देखिए, ये पुराने टाइम का खाना होता था बच्चों, और आजकल हम सुबह क्या खाते हैं आपको पता ही है. सुबह सुबह हम कहेंगे मम्मी मैगी बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. Now move to question number 9. Why was the grandmother distressed and disturbed when the teaching in English school? अब देखिए, टीचिंग जो है स्टार्ट हुई इंग्लिश स्कूल में, तो वहाँ पर ग्रैंडमदर को तो डिस्ट्रेस होना ही था, क्योंकि वो पहली बार तो ऐसे सब्जेक्ट नहीं जानती थी जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल हैं, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और वो बहुत अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी वो. और इवन जब उसे पता लगा कि वहाँ कोई भगवान के बारे में तो कोई टीचिंग प्रीचिंग नहीं है, वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 10 है, Why did the sparrows in the portrait of a lady not pick up the breadcrumbs the last day? उन्होंने लास्ट डे वो breadcrumbs क्यों नहीं उठाए? क्योंकि देखो, वो एक्चुअल में रिस्पेक्ट की वजह से, उनको बहुत दुख था, वो एक्चुअल में जो है अपने पैटर्न के लिए एक होमेज पे करने आई थी, एंड दे डिड नॉट चॉप, ना ही उन्होंने कुछ शोर किया. When the author's grandmother threw some crumbs of bread for them, they did not pay any attention to them. They flew away quietly as a mark of respect. अब बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बताना है आपको, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर. डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज? अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मैं सिंपल मेथड बताता हूँ, वैसे क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने ही है, कि एक तो आपने पहले विलेज की पूरी उनकी लाइफ बतानी है, फिर विलेज से जैसे वो स्कूल में शिफ्ट हुआ सिटी के, वहाँ वो शिफ्ट हो गए दोनों, और उसके बाद जब खुशवंत सिंह बाहर चला जाता है पढ़ने, और इवन देन इट डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन देयर लव और अफेक्शन. वो जब वापस आता है तो ग्रैंडमदर, आपको पता है, ये सारी रात नहीं सोती, इतना खुश हो जाती है. शी केप्ट ऑन रिसाइटिंग द हिम्स, और जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और मॉर्निंग में उनकी डेथ भी हो जाती है. सो बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं जो मैं सोचता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए. सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरंसर क्लासेस, एंड हैव अ नाइस डे.